अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद भट्टी और आप सब मुझे जानते हैं फूडी भट्टी के नाम से। और मेरे साथ आज मौजूद है शेफ हिरा अहमद, आई एम द हेड शेफ कंसल्टेंट एट द टेलोज रेस्टोरेंट। और आज जिस शो की हम आगाज करने जा रहे हैं उस शो का नाम है यम्मी इन माय टमी, और ये आपका भी फेवरेट शो होने वाला है। आज शेफ आपका क्लासिक बीफ बर्गर, और इसी क्लासिक बीफ बर्गर का हम देसी वर्जन बनाएंगे। तो अब वेट नहीं करवाएंगे आपको, किचन में चलें शेफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं डोनाटेलोस के किचन में। शेफ हिरा, आपको क्लासिक बीफ बर्गर की रेसिपी बनाना सिखाएंगी, तो मैम शुरू हो जाएं। सो पहली चीज जो हम कर रहे हैं, बीफ का कीमा लिया है हमने, बट मेक श्योर के स्पेशली पैटीज के लिए, बीफ पैटी के लिए हम 70-30 लेते हैं। दैट मीन्स 30% फैट एंड 70% मीट। बीफ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका कीमा हमारे पास ऑलरेडी है, पर पर्सन आप ले सकते हो अराउंड 150 ग्राम्स। ये हमारे पास 150 ग्राम्स ऑफ बीफ पड़ा हुआ है विथ फैट। ओके, अच्छा ये शेफ थोड़ा सा बताएं कि 30% फैट क्यों इम्पोर्टेंट है पैटी के लिए। 30% फैट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम इसको ग्रिल कर रहे होते हैं या पैन फ्राई भी कर रहे होते हैं, पैन पे अगर आप कर रहे हो ग्रिल, घर पे भी, तो वी नीड के फैट उसको मॉइस्चर दे। सो मॉइस्चर क्या करता है, मॉइस्चर एक्चुअली इसको सॉफ्ट जो टेक्सचर आता है, जो व्हेन यू ईट अ बर्गर उस तरीके का टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर देता है। और फैट बेसिकली थोड़ा सा अपना फ्लेवर भी देता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्ट, तो इस वजह से अब सो इसको हम फर्दर थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्टनेस देने के लिए एंड टेक्सचर देने के लिए वी आर गोना ऐड अराउंड 1 teaspoon ऑफ बटर इज वेल। ठीक है, तो बटर करता ये है कि बटर इसको और ज्यादा इसका फ्लेवर फैट का। और ये बटर अनसॉल्टेड है, सॉल्ट? दिस इज एक्चुअली अनसॉल्टेड बटर बिकॉज़ हम ऑलरेडी सॉल्ट डाल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसको अनसॉल्टेड बटर। तो ये अनसॉल्टेड बटर है क्योंकि रेसिपी में ऑलरेडी सॉल्ट जाएगा। बिल्कुल, तो आप अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं। Literally quarter teaspoon. Inch. Like literally, yeah. As per your taste. As per your taste, because some people जिनको salty ज़्यादा पसंद है वो salt ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर आप डाल सकते हो। And then black pepper. Over mixture को over marinate अगर आप करोगे तो beef का taste in itself वो फिर बिल्कुल change हो आ जाता है। और आप क्या समझते हैं कि इसको अच्छे से ज़्यादा massage करें तो ये ज़्यादा better? बिल्कुल, इसको at least मतलब सारे जो आप ingredients डाल रहे हो उनको incorporate अगर आप करोगे and then आप marinate करके half an hour रख दो, तो सारी जो फ्लेवर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्हांस होते हैं। तो ये आज की टिप भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी मीट को मैरिनेट करते हुए टाइम उसको आप मसाज दें तो अच्छे से पैटी भी बनेगी और उस फ्लेवर इनकॉर्पोरेशन उसकी ज़्यादा बेहतर होगी। अभी मैम ने कहा 1 teaspoon वी आर एडिंग वर्सेशायर सॉस। ओके, व्हाट वर्सेशायर सॉस? बेसिकली इट हैज दैट सॉल्टीनेस एज वेल, एंड अक्सर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली फॉर इन्हांसिंग बीफ फ्लेवर एंड फॉर लेट्स से जो मीट होता है जो कुकिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से बीफ के स्टेक्स यू आर ग्रिलिंग एंड ऑल, उसके लिए मैरिनेशन के लिए एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्टेक, उसमें भी हम वर्सेशायर सॉस डालते हैं एज अ मैरिनेशन। ओके, तो अब इसका प्रोसेस हो गया। हमने का लास्ट हमने एक्चुअली लिटरली 1/4 teaspoon ऑफ मस्टर्ड डाला। ठीक है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू लीव दिस थोड़ा सा, इसको हमने मैरिनेट करके आप हाफ एन आवर तक मिनिमम रख सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो, बट आइडियली टेम्परेचर आपको देखना ज़रूरी है, या तो फिर आप मैरिनेट करके इसको फ्रीज कर दें, आपको जब भी यूज़ करना हो आप कर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ फिर पूछूंगा, अगर मैरिनेट करके हम इसको फ्रीज कर देते हैं और फिर जब डिफ्रॉस्ट करते हैं तो वो मॉइस्चर आ जाता है उसका? सो मॉइस्चर आ जाता है, तो व्हाट वी डू इज कि जब आप डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखते हो तो उसके जो सारे जूसेस होते हैं, जो कंटेंट, वाटर कंटेंट और निकलता है, उसको पहले आप ड्रेन आउट करें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप बटर डाल सकते हो ताकि उसकी सॉफ्टनेस इन्हांस हो, एंड देन आप इसको कुक करते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, मैं आपने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया, वर्सेशायर सॉस डाल दिया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड बटर। तो अब इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट देते हैं और फिर इंशाल्लाह हम पैटी बनाएंगे इससे।
ओके, तो अब हम मेरी रेसिपी की तरफ आ चुके हैं। शेफ हीरा की रेसिपी आपने देख ली है, तो अब स्टार्ट करते हैं बर्गर की देसी रेसिपी पे, जो कि है बन कबाब। तो ये हमने मीट लिया है, शेफ़ की रेसिपी और मेरी रेसिपी में फ़र्क है। तो मेरा जो मीट है उसमें मिन्स बीफ जो है वो 80% है और फैट कॉन्टेंट जो है वो 20% है, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है। हम इसके अंदर, क्योंकि ये 150 ग्राम पर पैटी के हिसाब से है, तो हमने उसी हिसाब से सारी मैरिनेशन करनी है। तो 50 ग्राम जो हमारा जो अनियन है वो हम डाल देंगे इसमें। सबसे मेन आइटम है और सबसे पहला आइटम है ये हमारा। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर साथ साथ दूसरे आइटम हम लोग इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले सॉल्ट, अबाउट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर ये भी टेस्ट के हिसाब से, चिली फ्लेक्स, स्पाइसी, ये अबाउट टू टेस्ट है सारी चीज़ें, आप जिस तरह आप खाना चाहें। क्योंकि वो देसी है तो थोड़ा सा स्पाइसी तो होगा ही। हाँ अक्सर मतलब स्पाइस तो सबको पसंद है। 1 टीस्पून क्रश चिलीज, ये आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको चिलीज का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। 1/2 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, अच्छा इसमें इस टाइम पे हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया। ज़ीरा आप थोड़ा सा लेंगे और इसको हाथ में रख के आपने क्रश करके डालना है। तो मैं थोड़ा सा आपने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया। अच्छा अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हम ऐड करेंगे दही, और दही को जो है आपने इसका पानी आप लोगों ने निकाल लेना, या तो आप ग्रीट योगर्ट ले लें या आप तो आप नॉर्मल दही का जो है वो मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी आप जो है वो निकाल दें और उसके बाद उसको ऐड करेंगे। दही भी हमने 50 ग्राम लिया है। अच्छा ये करेगा क्या, ये कबाब को जो है ना टेंडराइज करेगा। जब हम इसकी हाफ आवर इसको हम रखेंगे तो आपका जो मीट है वो टेंडर हो जाएगा। तो इसका हमने नाम भी यही है, दही वाले कबाब। आइए देखें ये ऐसे हो जाएगा। इसको आप हाफ एन आवर के लिए रखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट आपके कबाब बनेंगे। तो अब इसको हम लोग छोड़ते हैं हाफ एन आवर के लिए और फिर इसकी पैटी हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा किचन का काम अब ख़त्म हो चुका है, हम लोग अब असेंबलिंग की तरफ आ चुके हैं। शेफ आप अपनी शुरू करें असेंबलिंग, मैं अपनी असेंबलिंग शुरू करता हूँ। भाई कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? मी आम बिकम भी शेफ हैरा, यहाँ की कंसल्टेंट शेफ हैं और वेलकम टू द शो यमी इन माई टमी। आसिम भाई आप सब जानते हैं, आसिम भाई को रिसेंटली एक बड़ा पॉपुलर ड्रामा जो है अभी चला है उसमें आसिम भाई ने बड़ा प्रॉमिसिंग रोल है, पठान का रोल, आप ज़बरदस्त हो गया आसिम भाई, बहुत अच्छा हुई। थैंक यू। आसिम भाई को हम आज दो डिशेज ट्रेस करवाने वाले हैं, एक देसी है और एक इंग्लिश है। अब आपने देखना है कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आती है। आप बेटा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़े का है, एक देसी और एक जो है वो ऐसे। आप क्या देसी पसंद करते हैं, देसी लवर और इंग्लिश लवर आप ऐसे? नहीं एक्चुअली डिपेंड करता है मूड पर कि आपका कैसा मूड है, लेकिन मैं देसी भी खा लेता हूँ। जब आप मुल्क से बाहर जाते हो तो आपको देसी की याद आती है। अच्छा हम में रहते हो तो आपको बर्गर हाँ और बन कबाब खिलाने वाले हैं, एक बर्गर होगा एक बन कबाब होगा, राइट? तो वैसे आपको वैसे अगर पूछा जाए एक रैंडम आईडिया, एक रैंडम क्वेश्चन, तो आपको बर्गर पसंद है या बन कबाब आगे? मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बन कबाब के पॉइंट वैसे पे कटने वाले हैं मुझे। नहीं नहीं मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, बाकी जो आप लोगों ने बनाया ये आपके पास बर्गर आ गया और ये आपके पास बन कबाब आ गया। अच्छा तो ये किसने बनाया? आप ये इंडस्ट्री है, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, ये आप पहले ट्राई करें और फिर हमें बताएं, फिर आपको बताएंगे किसने बनाया है। अच्छा चले
तो ऐसा करते हैं, हम पहले बन कबाब ट्राई करते हैं। आओ। बड़ा मजे का लग रहा है। पहले मैं बगैर केचप के ट्राई करता हूँ ताकि जरा टेस्ट पता चले कि क्या है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब हम ट्राई करते हैं बर्गर। मुझे लग रहा है आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा जो है बर्गर जीतने वाला है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये एक्सप्रेशन जो है वो रिजल्ट वाले नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मैं इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हूँ, लिटरली ये बहुत डिफरेंट है और वो बहुत डिफरेंट है। जाहिर है वो देसी है, डिफरेंट बर्गर है, लेकिन मुझे तो दोनों मजे के लग रहा है, लिटरली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताऊँ, इसकी जो स्मेल है, टेस्ट की जो स्मेल है वो बहुत मज़े की है, लाइक खुशबू इसकी बहुत मज़े की है। अगर मैं इसको देखूँ तो उसके अंदर जो आपने बीफ डाला भी कहीं ना लाइटी है, अच्छा जो भी है वो इतना टेंडर है और इतना जूसी है कि वो मेरा जो दूसरी बाइट मैंने ली थी वो इसी चक्कर में ली थी कि यार मैं इसको जो है मज़ीद इसको टेस्ट कर सकूँ। अब आपको बता देते हैं किसने क्या बनाया है। ये एक क्लासिक बीफ बर्गर है, ये शेफ हेडा की रेसिपी है और डोनाटेलो रेस्टोरेंट्स के मेन्यू का पार्ट है ये। वेरी नाइस। और ये हमने क्रिएट किया है, मैंने क्रिएट किया है वन कबाब, और ये यहाँ की रेसिपी है ऑब्वियसली। और वजी आपने बताना है कि कौन सा, अब आपने बता दिया, दोनों अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शेफ का भी और हमारा भी आज कोई स्कोर नहीं हुआ, आज दोनों जीत गए हम लोग। अरे वाह। लेकिन आपको सजेशन है कि आप कोई ना कोई मतलब इसको लेके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह, आई वुड आस्क कि अगर आप इस रेस्टोरेंट में रख सके तो। तो इनका जो शो है उसका नाम है यमी इन टमी, और जिस चैनल पर ये आएगा उसका नाम है ग्लोमोरा एंटरटेनमेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी लाइक करें। सो बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। तो देखते रहिए हमारा नया शो यमी इन माई टमी ग्लोमोरा एंटरटेनमेंट पे, और ग्लोमोरा एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस शो का पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगी। और हम अलविदा करते हैं आसिम भाई से। खुदाफिज सर, मैम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नई रेसिपी के साथ अगर हमें मौका मिला तो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।